बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, काके मुन्ने आया जुमा करके, अज टाइम ना छुट्टी हुई सी ते शान बेटे बुखार आ, मेरे लगा ट्यूशन नहीं गए ते मैं बच्चे नूं कुछ खाने नूं दिंदी आ, गाजरां पईआं वा, बच्चे बड़े शौक नाल खांदे आ, उह दिंदी आ, हले मैं कुछ बनाया नहीं है। मीन मीन इंशाल्लाह अल्लाह ने बड़े बड़े काके देने बाजो। नहीं पैसे है। मैं सारे बच्चों ने दी गाजर का हलवा, चमचिया तीन काकिया, तीन चमचिया लेनी है और प्लेट। अच्छा, गाजर का हलवा ठंडा खाना है कि गर्म कर देव? चेक करके देखता कैसे खाना वा। कल खांसी लगी, गर्म कर दवा। चल फिर मैं गर्म कर दनी हूँ, मैं गर्म कर दनी हूँ, अपने कोटन गर्म कर दनी हूँ। काके ने कहा भी खांसी लग गई सी, गर्म ही कर दो, मैं ना गर्म ही कर दनी हूँ बच्चियां। कितनी रौनक है जी, बेटा गेर ना जाई, मिठू गेर ना जाई। हाँ जी हाँ जी, नौ लाख ना लाओ, मैं तो नुग आ गाजर का हलवा गर्म करके दिनी हूँ। तू मेरा ओवन बेटा, ओवन ओवन। मैं ना अली सेवियां मंग रही थोड़ियां पियां वा, राती बनाइयां सी, उन्होंने भी गर्म कर देव। देखो जी बेटा, ना बटन ना दवाई। सेवियां गर्म कर दियां। अच्छा जी, नहा लिया वा, मैं बाल भी बना लिया, तो हूँ मैं लगी हाँ तकरीबन पाँच साढ़े पाँच दा टाइम आ, तो मैं ना देसी मटे का सालन बनाना शुरू करा। चीज़ा सारिया ना मैं कोल रख लवा, हर चीज़ मैं तैयार करके रख गई हूँ, लेकिन सिर्फ देसी मुर्गा बनाना वा, क्योंकि सालन फिर नहीं इन्ना होंगे, लेकिन चावल जोड़े ना इन्नी देर पे मलता नहीं लगते। सिर्फ देसी मुर्गा बनाऊँगी और पानी बॉल से थोड़ा ले लवा, एक गेन अम्मा जी उन्होंने घर और एक गेन अम्मा जी के मैं सराने रखी है, क्योंकि अम्मा जी फिर ना दिल का मसला बन जाता वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल पाई के ऑयल अच्छी तरह गर्म कर दूँ, काली मिर्च भी इस्तेमाल करांगे, ये भी असं इधर ही रख लेने हैं, ते 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 दालचीनी बस इस्तेमाल करांगे, अल्लाह ते खैर सला, इलायची भी इस्तेमाल करांगे, बस रुके चावलों से भी इस्तेमाल होनी वो मैं डिब्बे इतने रख लेनी हूँ। मेरा हूँ तो मौसम लंघ गया ना, तो एवें का जोड़ा ना कूला कूला सूट बाजू वास्ते भी लिया मैंने। ये कढ़ाई पकान लगी या गिरी वाला? गिरी वाला नहीं पकान लगी। अच्छा, मैं दो से बना लगी हूँ, एक कट के दो रख के ब्राउन डालती है पीस और मोटी मोटी है ऐसी। प्याज हल्के फ्राई हो गया, थोड़ा जहा पानी का छिलका ला दिए और इतने हम पावे जी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट,
हरी मिर्च का और अदरक लहसुन का पेस्ट पा लिया वा, मिक्स कर दिया। कुछ सेकंड वास्ते ना भुनाई कर लेंगे। चलो अभी हम पावे टमाटर, मिर्चा मैं पहले कुट लिया क्योंकि मैं कुटिया हुई अच्छी लगदियाँ, टेस्ट ज़्यादा आता वा। मिक्स करते हैं और असं जरा उपर ढकना दे दें क्योंकि भाप के नाल टमाटर जल्दी नरम हो जाएंगे, टमाटर असं अच्छी तरह नरम करांगे। टमाटर मैं ढक्कन उपर देता से जल्दी जल्दी फटाफट जरा ना नरम हो गए हैं। तो हूँ असं जी पाइए पाउडर मसाले, सबसे पहले तो जाएगा नमक, नमक लिया गया। हम जाएगी हल्दी, हल्दी चली गई। हम जाएगी दड़ा मिर्च, ऐसी ना मेरी मिर्चों का कलर सही नहीं है, जो मैं पाउडर मंगवाई हूँ कलर सही नहीं रखती हैं। अच्छा दड़ा चली गई और पहले का भी नहीं सही, मैं तो पैकेट पाया सी। चलो जी लाल मिर्च का पाउडर भी चलिया गया, मिक्स कर लेंगे। पानी का छिट्टा लगाने हैं लेकिन हले मैं कुटिया धनिया पाना वा। मेरी आदत नाल नाल चीज़ा ना मैं सैट करती रहा। चलो जी कुटिया धनिया भी आ गया, मिक्स कर लेंगे। एक दो मिनट बुनाई करते हैं फिर असं पा देंगे गोश्त में। फिर असं मुर्गे का एक मिनट हो गया वा, ए दो लौंग छोटे छोटे दो दालचीनी के पीस मोटी इलायची भी पा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देसी मुर्गा जाएगा फिर अंदर क्योंकि इन्हें टाइम लेना क्योंकि दो ना फिर ये पक जाएगा ना, ये सालन दोबारा भी गर्म हो जाएगा क्योंकि चावल दोबारा गर्म करो वो मज़ा नहीं दिता। इस करके देसी मुर्गा बड़ा सी तो इस करके मैं टाइम ना ही रख लिया वा। तो कट्ठी तो कोई चीज़ भी नहीं पकनी, अच्छी तरह मिक्स कर दी हाँ। तो ये मैं बुनाई करूँगी 20 से 25 मिनट वास्ते दरमियानी अग पर, जिनी हल्की अग होगी उन्ना ही मुर्गा टेस्टी बनूगा। बस ऐसी होर भी कुछ कोई शय नहीं पावे, बस बुनाई करनी है। तकरीबन 15 मिनट हो गए मैंने बुनाई कर देना। इतने मैंने हम थोड़ी जी बस इस तरह एक चुटकी है एक काली मिर्च की पा देव टेस्ट वास्ते, थोड़ा जहाँ मैं इतने जीरा भी पाव कुटिया होया, थोड़ा एंड पे पाऊंगी ज़्यादा नहीं पाऊंगी। चलो और मैं 10 मिनट बनाई करूंगी। मैं लानी है बाजू दो तीन मिनट में ना पानी का छिट्टा लगा के उन्होंने ढक्कन देता से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिता वा। ये जड़ी कलेजी है ना वो नहीं पा दी है, उसे जी बुनाई अच्छी तरह हो गई है। कलेजी और पोटा आली ने देख के आई आली बहुत पसंद आ। तो मैं देखो ऑयल भी छोड़ दिता वो, ये बस मैं ना एवें एक घुट एवें पानी का पा के ना मट्ठी आ के 2 मिनट कवर करना हूं। कवर कर दिए चूल्हा मट्ठा कर लीए। ਸੱਚੀ ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਹੋ ਚੱਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਖੈਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਆਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ।
घर वाले बाद परौने अगे होंगे तेन पता नहीं लगता है गोगो जी मोटो बदलियां 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 जी पानी की केन घर भर के ना तो मैं ना बर्तन निकाल लव हाली ना बिल्ली अगे हाथ जोड़न दिया वा बिल्ली ना सतान डी है ना दुध भी पाया सारा कुछ किया फिर भी ना बोटियां मंगती है बोटियां मन पका के देवे मैं लाइट चली जानी है साढ़े छे पानी की केन भर लिए मेहमान ने आना करके मेरा तो पता नहीं हूँ भरा है कि भतीजा है अल्लाह पाक खैर करे दा टाइम लेवे खुशियां दा टाइम तोड़ दियां खुशियां हुण भांडिया का ख्याल कर कि त्रोड़नी है कंपनी में घाटा पै गया ना सारे उत्ते टेबल ते रख खाली अच्छा अच्छा उत्ते वाली भी जगह है काट कर ले लूंगी एक चमची मेरा बेलचा जिंदाबाद फ्रिज निकी नु चुके किचन च रखी इस दिन ये कोई चग गिलास टूटा तेरी खैर नहीं मेरी क्यों नहीं खैर नहीं एक मैं काम करा बेचारी छोड़ी दे कुत्ते दबके पे दबके पे हां दबके पे आया तो काम होता है आशा निकाल ले देखी ख्याल करी ऐ ते ऐ ग्लास ओते रख देना हूं टेबल पे मैं की पेन ओ माड़ा ज अड़या ग्लास इथो डेढ़ के टूट जाने ने ऐ ते ओथे टेबल ते रख दे बत्तियां है बालों दे फिर फड़ कैमरा ते मैं अम्मा जी नूं उत्थे अंदर पावां इधर मठा जा चूल्हा चल रहा है इधर मैं देख ची ऊपर चढ़ा रही है क्योंकि साढ़े छः लाइट चली जानी है और ये हूँ मेहमान आ जाए फिर मैं मेहमानों को बैठा या खाना बनाव फिर कले बंदे का हमला वा अम्मा जी तो बैठेंगे ऑयल पा लिया वा ऑयल में अच्छी तरह गर्म कर दें अली अम्मा जी उन्होंने बहरों अंदर लैके आ रहे हैं बिस्तरा करके मैं कहा तुसी पाओ मैं जरा ना खाना बना ला अच्छा जी हूँ मैं पाव खड़े मसाले पाए थोड़े जे फ्राई हो जाए थोड़े फ्राई हो गए हूँ मैं पाव प्याज तो प्याज में पर गोल्डन ब्राउन चावल मैं पी के रख लिए अच्छी तरह साफ करके साफ पानी हो गया बिल्कुल
अच्छा जी प्याज साढ़े हो गए गोल्डन ब्राउन, इतने मैं हम पाऊंगी जी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर चेंज होने दी है कलर चेंज हो गया चिकन का। इतने हम पावे जी टमाटर से हरिया मिर्चा और नाल ही अभी पा देंगे जी मटर के दाने के फ्रिज रखे मटर सख्त हो जाते हैं। अच्छा जी टमाटर अच्छी तरह ना अभी नरम होने देवे। ऐ देखो जी मेरी तली की लड़ाई हो गई सी, ये ना स्वेटर नहीं सी उतारन डे घर पौने वाला, देखो माशाल्लाह। हां जी पहले मैंने थोड़ा सा चिकन नहीं और पानी इसका तो कढ़ाई टाइप का बना लो। ये रस्म इस कढ़ाई की होगी। चलो नहीं इसका तो उसका अच्छा जी देसी मुर्गा साडा बिल्कुल तैयार आ। एक हरी मिर्च में कट के पाती है, ज़्यादा नहीं पानी क्योंकि मिर्च लाइट ही रखनी चाहिए आ। और मैं जरा धनिया पानी कट के रखा हुआ वा पत्ता पत्ता। चूल्हा में बिल्कुल बंद कर दूँगी क्योंकि मैनू बहुत पसंद आ सबज सबज धनिया उत्ते तीखे। ठीक हो गया इन्ना क मसाला जहाँ बिच मैं कहनी होना चाहिए वा ताकि बंदा ना बुरकी मसाले ना ला के खा सके। लाइट चली आ जी, कोई पता नहीं हम किन्ने मिनट रह गया देखा मैं नहीं, लेकिन है जाने वाली। अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हा कर दो जी बंद। मज़ेदार देसी मुर्गा साडा तैयार, खाओ जी रोटी दे नाल। रोटी लाइट आई तो फिर पकाऊंगी। मेहमान रहमत हुंदी आ, मेहमानों नूं खुशी खुशी खाना बना के खिलाना चाहिए। चूल्हा हो गया जी बंद। इधर जी बनाई हो गई अच्छी तरह। इसमें मैं हुण पादमा पानी एक मग्गा चावलों का दो मग्गे पानी दे पाऊंगी। एक होर भर ले आईए, विंडो खोली हुई इधरों। रोटियां लाइट आई तो फिर पकाऊंगी, इन्हां वे नेरे दे विच जल जाण बंदा अच्छा नहीं लगती। सोनी रोटी पकानी चाहिए। दूसरा मक्का पानी का जाऊगा और पानी ने दो उबाले आन देवांगे। बर्तन बहुत बड़ा वा इस करके पानी दो उबालिया दिने, ढक्कना दे दें उपर। नमक मैं इधर रखा वा ताकि अगर कम हो तो मैं पा सकता। अच्छा जी मैं ना अच्छी तरह ना धनिया करके बिच पा दवा।
ਜਿੱਕੇ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਡੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖੜੀ ਖੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਲਾ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਨ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂ ਹੁਣੇ ਪੱਕਣ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ ਕਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਬੜਾ ਵਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਪਕਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਐਵੇਂ ਲਈ ਪੌਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਦਮ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਆਈ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਵਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਬਸ ਚਾਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਦੋ ਕੁ ਉਬਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਧਨੀਏ ਨਾ ਭਾਫ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਈਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਇਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮੁੰਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਤਨ ਨਾ ਧੋਣਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਬਰਤਨ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਬਸ ਜੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਆ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਚੌਲ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਚਿਪਕਣ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਬਣਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਰਾਜ਼ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੂਸ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਦੱਸਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ ਮੱਠਾ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਬਸ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ ਬਸ ਐ ਲਓ ਜੀ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦਮ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ ਮੱਠਾ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਚਲੇ ਬਸ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤਵਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਮੱਠੀ ਰਵੇ